Okay, so hello everyone. Okay, my name is Ruchin Tejawat and I welcome you all to Unacademy Studio Bridge. And today is our second session, जो कि हमारा प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पर है. अगर आपने प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड वॉच प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट. उसके बारे में मैंने जो आपको बताया, आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट और उसमें हमें क्या निकालना होता है मैंने उसके बारे में भी बताया. सो प्लीज डू गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट. आज हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, नॉट लास्ट लेक्चर फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, बट आई होप एक या दो लेक्चर्स अदर देन दिस हम लोगों का आरसीसी विल बी फिनिश्ड. सो प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर्स ताकि आपको आरसीसी अच्छे से समझ में आए. अगर आपको कुछ भी इशू आता है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता रहे. और फिर भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आई विल रिजॉल्व ऑल दोज इशूज. एंड हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं फॉर गेट. एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज़ रुचिन तेजावत एंड आई विल बी द इंस्ट्रक्टर फॉर योर कोर्स. आई एम द इंस्ट्रक्टर फॉर टॉस, जियोटेक एंड आरसीसी. And I have post-graduated from this place, which is IIT Kanpur, and also I have secured an all-India rank of 165 in GATE examination. And till date, I have mentored more than 10,000 students for GATE and ESE. And also, I have a teaching experience of more than 5 years. And I have also served as project engineer in Mumbai Railways. And I have cracked, other than GATE examination, I have cracked several other examinations, including BAR, ISRO, DRDO, railway exam, many other examinations. So I have given a strategy on how you can crack any kind of government exam. Specially, मैंने आपको strategy दिया है GATE का कि GATE के लिए आपको क्या करना चाहिए. अगर आपको GATE 2020 crack करना है with an all India rank of 100, तो please do go and watch my lectures. तो that will help you कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आपको पर डे हर दिन कितना कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें. दिस इज द टीम ऑफ अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज. वी हैव एडुकेटर्स फॉर इलेक्ट्रिकल, वी हैव एडुकेटर्स फॉर मैकेनिकल एज वेल एज फॉर सिविल. तो आप देख सकते हैं वी कवर एंटायर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, सारे के सारे ब्रांचेस को कवर करते हैं. And we daily bring out something interesting for you. कुछ ना कुछ आपके नया लेके आते हैं ताकि आपको engineering feels a bit easy. And now if you want to enroll to Unacademy, so what you have to do, आपको कुछ खास नहीं करना है. You have to go to the Play Store. Okay, आपको जाना है Play Store पे और Play Store पे जाके आपको search icon पे लिखना है Unacademy Learning App और उसके बाद में you need to install this button. जैसे आप इसको install करेंगे आपके पास आएगा Choose Your Goal. आपका गोल सेलेक्ट करना है. सो यू कैन सेलेक्ट योर गोल. आपका जो भी गोल है आप वो गोल सेलेक्ट कर सकते हैं. इन अनअकैडमी यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल गोल्स और ऑलमोस्ट आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराया जाता है विद द बेस्ट एडुकेटर्स अवेलेबल. और जैसे फॉर एग्जाम्पल यू चूज गेट एग्जामिनेशन, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन. तो यू नीड टू सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू वांट, whether there are 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 month. अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑप्टेड फॉर दिस 24 month प्लान, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी कंफर्म डिटेल्स पेज, जहाँ पे आपको आपका नाम वगैरह वगैरह, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, फॉर व्हाट एग्जाम यू आर अपियरिंग एंड ऑल, ये सारा कंफर्म करना है. एंड यहीं पे यू विल यूज माई प्रोमो कोड विच इज रुचिन लाइव टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 10%. ओके, 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे रुचिन लाइव. प्लीज रिमेंबर दिस इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर. ये आपको 10% डिस्काउंट लिमिटेड टाइम तक के लिए ही देगा. सो एनरोल नाउ एंड फास्टली यूज माय प्रोमो कोड रुचिन लाइव. और उसके बाद में दिस इज द फी दैट यू हैव टू पे. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू सम मोर प्लान्स लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी. अगर आप गेट और ईएससी जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं जो कि नेशनल लेवल पे ईएससी को कंडक्ट कराता है यूपीएससी, तो यू अंडरस्टैंड कि इसका लेवल क्या रहा होगा. और गेट को कंडक्ट कराते हैं 7 IITs, तो आपको समझ में आ जाएगा कि the level of exam is going to be very good. और मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. तो अगर आप गेट और ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू टेक आइदर, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू टेक आइदर 12 मंथ प्लान और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. 12 मंथ प्लान का जो फी है दैट इज ओनली 25,000, दैट इज ओनली 25,000, एंड इन दैट ऑल्सो इफ यू यूज माई प्रोमो कोड RuchinLive तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी यहाँ पे द अमाउंट इज 2500 ओनली. तो फाइनली व्हाट यू हैव टू पे इज ओनली 22,500. एंड नाउ इफ यू गो फॉर दिस 24 मंथ प्लान तो यहाँ पे द फी इज 40,000, फी इज 40,000, एंड इफ यू यूज माई प्रोमो कोड विच इज RuchinLive तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, अगेन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो यहाँ पे 4,000 विल बी ऑफ, सो द अमाउंट दैट यू विल बी लेफ्ट इज 36,000. यानी आपको 24 मंथ्स के लिए द फी दैट यू हैव टू पे इज ओनली ₹36,000. एंड रिमेंबर दिस इज द फी ऑफ 24 मंथ्स. 24 मंथ्स का फी है तो दैट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 1,500 अ मंथ. अगर आप 36,000 को 24 से डिवाइड करोगे तो वो कुछ 1,500 निकल के आ जाएगा. तो यू कैन सी दैट इट इज, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, चीप है, तो आप कोई भी इसको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है. एंड ऑल्सो दिस इज द टीम ऑफ Unacademy GATE एडुकेटर्स. गेट के लिए वी हैव सम मोर एडुकेटर्स एंड ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस Unacademy Plus फॉर फ्री. यू कैन एक्सपीरियंस Unacademy Plus फॉर फ्री. फ्री का मतलब ये है कि यू विल बी गिवन विद सम डेमो लेक्चर्स. डेमो लेक्चर्स आपके कैसे रहेंगे, दे विल बी फ्री. आपको 2-3 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे. बेस्ड ऑन दीज डेमो लेक्चर्स आप जज कर सकते हो कि आपको किस तरीके का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है. प्लस इफ यू वांट टू स्टडी तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि Unacademy पर लाइव पढ़ाई कैसे होती है. अब लाइव पढ़ाई कैसे होती है, आप डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं, आपका टेस्ट सीरीज कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली Unacademy के प्लस पे कर सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन. सबसे आसान तरीका है गेट क्वालिफाई करने का. ऑल्सो यू विल गेट फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केड्यूल, आप जिस टाइम चाहे उस टाइम पढ़ सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन चूज द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. यू हैव द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, लाइक यू हैव इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल. You have more languages like Bengali, Sanskrit, Punjabi, Odia, Marathi, बहुत सारी languages हैं, अलग अलग languages हैं. And also you will get unlimited practice session. अब what does unlimited practice session mean? Unlimited practice session का मतलब है you will get live classes. आपको live classes तो मिलेंगी, उसके बाद में you will get recorded classes. आपको recorded sessions भी मिलेंगे. उसके बाद में you will have doubt session. After every 4 live classes, you will get doubt session, and then you will have test series. और test series के बाद में आपको क्या मिलेगा? Quizzes. Okay, ये सारी चीजें आपको मिलेगी. और finally इन सब का आपका subject जब खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होगा, तो आपको मिलेगा analysis. You will get an analysis, complete detail analysis, और उस analysis के basis पे आप जज कर सकते हो कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग रह रहा है, कौन सा पार्ट वीक रह रहा है, आपको किस पार्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस. और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती है ओनली एंड ओनली ऑन Unacademy. Unacademy इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. तो प्लीज़ कम नाउ एंड एनरोल टू Unacademy. एंड ऑल्सो इट विल फील लाइक यू आर इन द क्लासरूम इटसेल्फ. आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में ही हैं. यू कैन चैट विद द एडुकेटर, आप एडुकेटर से उसी टाइम बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. यू कैन सी द एडुकेटर लाइव, और अगर आपको कुछ डाउट्स भी हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं. यू कैन क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर इटसेल्फ. देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ इंटरेक्टिव पोल्स, इंटरेक्टिव पोल्स भी है. प्लस देयर इज समथिंग लाइक यू कैन लर्न एनी टाइम, एनी वेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं. आप देख सकते हैं दिस इज द चैट बॉक्स विच इज हियर, एंड दिस इज द व्हाइट बोर्ड वेयर द इंस्ट्रक्टर और द एडुकेटर विल टीच यू. सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड यू एनरोल टू अनअकैडमी नाउ। यूज माय प्रोमो कोड RuchinLive, you will get a discount of 10% additional. Okay, so we'll go to our session. और हमने लास्ट में we have taken a look at what is pre-tensioning and post-tensioning. इसके बारे में हमने देखा था what is the difference between reinforced concrete and pre-stressed concrete. Reinforced concrete में हमारा क्या होता था, what will happen in reinforced concrete. Reinforced concrete में जो हमारा concrete है traditional, उसके बाद जैसे ही लोड लगता है वो ऐसे कुछ बेंड हो जाता है, इस तरीके से बेंड हो जाता है, इस तरीके से बेंड होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, तो यानी टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्टील लगाना पड़ता है, रिइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। ज्यादा रिइंफोर्समेंट लगाने से क्या होगा, द स्ट्रक्चर विल बिकम अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल मतलब स्टील हमारा महंगा आता है, स्टील इज कॉस्टलियर, तो स्ट्रक्चर विल बिकम अनइकोनॉमिकल। उसके अलावा इट्स वेट विल इंक्रीज, उसका वेट बढ़ जाएगा। प्लस इसमें यह भी होगा दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी सेफ, इतना ज्यादा सेफ नहीं रहेगा एज कंपेयर टू प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। अब अगर वेट बढ़ जाएगा तो उसके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी, प्लेसमेंट में इश्यूज आएंगे। ये सारी चीजें हमारे रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट में। अब व्हाट इज प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, तो हमारे प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में क्या होता है, जैसे कॉन्क्रीट है इसके अंदर क्या करते हैं, स्टील को स्ट्रेच कर देते हैं। स्टील को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, जो कॉन्क्रीट है वो इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगा, इस तरीके से बेंड होगा। तो जैसे ही हमारा लोड आएगा तो ये जो बेंड जो कर्व आया था ये हमारा वापस से स्ट्रेट हो जाएगा, दिस कर्व विल बिकम स्ट्रेट। और जैसे ये स्ट्रेट होगा तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। अगर मेरा टेंशन कम हो रहा है तो मुझे यहाँ पे स्टील के डालने की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, लेस स्टील, यानी स्ट्रक्चर विल बी इकोनॉमिकल। उसके बाद अगर मैं स्टील को कम डाल रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, उसका जो वेट है दैट वेट विल रिड्यूस। और वेट के रिड्यूस होने के बाद में क्या होगा, इसका जो प्लेसमेंट है दैट विल बी इजी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इसके बाद में मैंने आपको ऑर्डिनरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बताया, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बताया, ये सारी चीजें देखी हमने। व्हाट इज प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन देखा हमने। व्हाट इज प्री टेंशन, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात करी, इस तरीके से कि पहले स्टील को लेते हैं, स्टील को खींच देंगे, इट विल बी स्ट्रेच्ड एंड देन अब्यूटमेंट्स लगाएंगे और उसके बाद में उसके अंदर कंक्रीट कास्ट होगा। जैसा स्टील खींचा हुआ है उसी में कंक्रीट कास्ट होगा। उसके बाद जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ ले लेगा उसके बाद में हम स्टील को कट करेंगे और जैसे ही स्टील कट करेंगे वो जो कंक्रीट है वो स्टील अपनी जगह आने की कोशिश करेगा वापस से और उसी प्रोसेस में वो कंक्रीट को भी कंप्रेस करेगा। वो कंक्रीट को कंप्रेस करेगा तो पूरा का पूरा कंक्रीट का जो शेप है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, ताकि फिर जब बाद में लोड आएगा इस पे जैसे ही बाद में लोड आएगा तो ये क्या होगा, बाद में कुछ स्ट्रेट हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो टेंशन है वो हमारा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और ये मैंने बताया था आपको व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ प्री टेंशन कॉन्क्रीट। तो मिनिमम ग्रेड इज M40, ये हमारा मिनिमम ग्रेड है। ओके, और ये दीज आर रेलवे स्लीपर्स जो कि बन रहे हैं रेलवेज के लिए, स्लीपर्स के लिए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की। अब इस पोस्ट टेंशन में क्या होता है, पोस्ट टेंशन इट इज अ टेक्निक फॉर रेनफोर्सिंग कॉन्क्रीट। इसमें क्या करते हैं, बहुत इजीली हम लोग सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक बीम को कास्ट कर देते हैं, पहले बीम को कास्ट करते हैं विथ अ डक्ट। जहां पे मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है वहां पे मैं क्या करता हूं, एक डक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, एक हॉलो डक्ट प्रोवाइड करा देंगे, हॉलो डक्ट होगा। अब जैसे मेरा कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ले लेगा वो पूरा का पूरा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब कंक्रीट अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाएगा उसके बाद में एक एंड से स्टील को लेंगे और उसको दूसरे एंड पे ट्रांसफर करेंगे। स्टील को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसके यहाँ पे जैक लगाएंगे, ये अपनी जगह फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको खींचना शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मुझे स्टील को खींचना है, स्टील को खींचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाऊंगा कॉन्क्रीट पे। तो मेरा कंक्रीट क्या होगा, अंदर की तरफ कंप्रेस होता जाएगा। अब जितना डिजायर्ड डिग्री ऑफ कर्वेचर वगैरह चाहिए वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद कंक्रीट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। कंक्रीट को लॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। हमारा फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वही वापस रिपीट हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ कर्व आ जाएगा। ये हमारा हो रहा है पोस्ट टेंशन पीएससी। पोस्ट टेंशन पीएससी के लिए व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड? द मिनिमम ग्रेड पोस्ट टेंशन पीएससी इज M30। ओके, तो इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। The steel cables inside plastic duct or sleeves are positioned in the forms before the concrete is placed। यानी कि एक हम क्या करते हैं, पहले स्टील को पास करा देते हैं या फिर बाद में भी पास कराते हैं, that is one and the same thing। Afterwards, once the concrete has gained strength, यानी concrete जब अपना strength gain कर देगा, the cables are pulled tight and anchored against the outer edges of the concrete। यानी कि उसको पूरे की तरफ पूरी फोर्स से खींच के उसे हम लोग ऐसे एंकर कर देते हैं। ओके, इस तरीके से एंकर करते हैं और उसको खींचने के प्रोसेस में क्या होता है, अंदर की साइड एक कंक्रीट पे रिएक्शन फोर्स लगता है। वो रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, कंक्रीट को कंप्रेस कर देगा नीचे से। तो ये हमारा होता है पोस्ट टेंशन पीएससी और इसके अंदर व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड M30। अब ये प्रोसेस है पोस्ट टेंशनिंग के, मतलब ये सारी क्या है, दीज आर रूल्स ऑफ पोस्ट टेंशनिंग केबल्स। ये सारी केबल्स हैं, दीज आर केबल्स जिनको कि हम लोग स्टील से, कंक्रीट से या बीम से कहीं से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं। बेसिकली पोस्ट टेंशन पीएससी जो है दैट इज यूज्ड इन मेट्रो सेगमेंट्स। इसको मेट्रो सेगमेंट से यूज करते हैं। यानी आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जैसे दिस इज अ कॉलम, ये दिस इज ग्राउंड सरफेस, और यहां पे इसके ऊपर हमारा मेट्रो चल रहा है, मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रहा है आगे। तो ये जो आपने देखा होगा ये अलग अलग सेगमेंट्स का बना होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इसमें। और यू मे हैव सीन फ्लाईओवर, फ्लाईओवर अलग अलग सेगमेंट्स का बनता है, उसके ऊपर उसका बिटुमेन का लेयर कर देते हैं। ओके, बिटुमेन का, कॉन्क्रीट का, किसका भी लेयर कर। तो ये जो एक सेगमेंट है, दिस वन सेगमेंट इज अ पोस्ट टेंशन पीएससी। ये हमारा किसके बराबर है, ये पोस्ट टेंशन पीएससी है, एक सेगमेंट। अब इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सा प्री स्ट्रेसिंग बेड है, ये रहा प्री स्ट्रेसिंग बेड है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमने केबल के साथ में स्टील को अंदर की साइड पास करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कंक्रीट कास्ट करते हैं। कंक्रीट कास्ट हो जाता है और अंदर डक्ट प्रोवाइड करा रखिए। फिर बाद में जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ ले लेगा उसके बाद में क्या करेंगे, स्टील को खींचना शुरू करेंगे, स्टील को खींचना शुरू करेंगे और वो अपनी जगह पे वापस रहेगा। तो वो उसके बाद में हम एंकर्स लगा देंगे। एंकर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा कंक्रीट कैसा हो जाएगा, जो इनिशियली ऐसा कुछ था, थोड़ा सा ऐसे कुछ कर्व हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो रहा है पोस्ट टेंशन पीएससी और इसका मिनिमम ग्रेड ध्यान रखना है। मिनिमम ग्रेड पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम ग्रेड ऑफ पीएससी प्री टेंशन और मिनिमम ग्रेड ऑफ पोस्ट टेंशन पीएससी जरूर से पूछते हैं। और ये पोस्ट टेंशनिंग केबल्स एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम फ्रेशली पोर्ड कंक्रीट, यहां से क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दीज आर डक्ट्स। और उस डक्ट में हम लोगों ने स्टील को पास कर रखा है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये वाला है ना यहाँ पे। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इस डक्ट में से हमारा स्टील बाहर आ रहा है, उसके बाद में स्टील को खींच देंगे। स्टील को खींचेंगे, हाथ से नहीं खींचेंगे। स्टील को खींचने के लिए वी यूज हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक जैक यूज होता है, वही स्टील को खींच सकते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे ये स्टील आ रहा है, इस स्टील को ये बाहर की तरफ खींच रहा है, यहाँ से पकड़ के स्टील को बाहर की तरफ वो खींच रहे हैं। एंड अब इसमें क्या है, द प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड अवे फ्रॉम द जॉब साइट इन अ प्री स्ट्रेसिंग प्लांट। Whereas in post-tension pre-stressed concrete, the application of stressing forces to the structure is done at the job site। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा pre-tension PSC है, जो pre-tension PSC है, वो कहाँ पे बनता है? That will be made away from the job site in a factory or in a pre-stressing plant, यहाँ पे बनता है। और जो post-tension PSC है, पोस्ट टेंशन पीएससी कहां पे बनता है? पोस्ट टेंशन पीएससी हमारा बनेगा एट द जॉब साइट इटसेल्फ। इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा पोस्ट टेंशन पीएससी है वो उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है, जैसे मेट्रो का एक सेगमेंट है वो इतना बड़ा होता है कि अगर हम उसे कहीं और बनाएंगे और फिर जॉब साइट पे लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज, इसलिए हम उसको उसी जगह जॉब साइट पर ही बनाते हैं। एंड अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द टेंशनिंग डिवाइसेस। तो बेसिकली दो टेंशनिंग डिवाइसेस हैं, एक तो मैकेनिकल डिवाइस है और दूसरा हाइड्रोलिक डिवाइस है। तो मैकेनिकल डिवाइसेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेट के साथ उसको बढ़ा रहे हैं, कोई वेट लगा दिया है किसी भी तरीके का, तो दिस मास स्केल फैक्ट्री वगैरह वी इंक्लूड वेट्स विद और विदाउट लिवर ट्रांसमिशन। और दूसरा हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो क्या है, हाइड्रोलिक डिवाइसेस है। हाइड्रोलिक डिवाइसेस मींस दीज आर सिंपलेस्ट मींस फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड एज टेंशनिंग डिवाइसेस। यानी हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक डिवाइसेस। हाइड्रोलिक डिवाइसेस में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक को यूज करते हैं। ओके, इन दो चीजों को हम लोग यूज करते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस, हाइड्रोलिक डिवाइसेस और भी हैं, लाइक देयर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी हैं, रेजोनेटिंग डिवाइसेस भी हैं, बट दीज आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बीटेक, हमारे इतना काम का नहीं है। अब नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं इट हैज लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे हो रहा है, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो रहा है बिकॉज जो स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड इन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में यूज हो रहा है। लेस क्वांटिटी में यूज होने का क्या मतलब है, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई टेंशन नहीं आ रहा है या टेंशन आ भी रहा है तो दैट टेंशन इज वेरी मिनिमम, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमें स्टील भी कम चाहिएगा। स्टील कम चाहिएगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि बिकॉज स्टील इज अ मच कॉस्टलियर मटेरियल, मच कॉस्टलियर देन कंक्रीट, कंक्रीट से ज्यादा महंगा है, तो अगर ये कम डल रहा है तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो रही है, स्टील कम डाल रहा हूं, तो मेरा वेट क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का, कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग थिनर स्लैब्स को भी यूज कर सकते हैं which are especially important in high-rise buildings where floor thickness savings can translate into additional floors for the same or lower cost। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं कोई स्लैब यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर के मैंने प्री स्ट्रेस्ड स्लैब यूज किया तो उसका मैं थिकनेस कम रख सकता हूँ, और अगर मैं थिकनेस कम रखूंगा तो हो सकता है कि सेम कॉस्ट के लिए मैं ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स पे काम कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा फ्लोर्स बना सकते हैं, एडिशनल फ्लोर बना सकते हैं, और या फिर उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है fewer joints since the distance can be spanned by post tension slabs exceed than the reinforcement construction with the same thickness। यानी कि अगर सेम थिकनेस रखें, जैसा अगर मेरा ये कोई बीम है if this is 10 मीटर तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये 10 मीटर का लेंथ का बीम है तो ये बिकॉज ऑफ इट सेल्फ वेट खुद ही ऐसे सैग कर जाएगा हल्का सा। और इसी जगह पे अगर हमारा कोई we have some pre-stressed concrete beam, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है 10 मीटर का, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे ऊपर की साइड में उठा रहेगा, तो अगर 10 मीटर का स्लैब भी है तो एट मैक्स वो अपनी जगह पर आएगा, तो इसलिए हमें इसमें जॉइंट्स कम लगाने पड़ेंगे। और यही बात फोर्थ पॉइंट में भी लिखी है दैट लॉन्गर स्पैन लेंथ्स इंक्रीज द यूजेबल फ्लोर स्पेस इन बिल्डिंग एंड पार्किंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से और ये वापस से फ्यूअर जॉइंट्स लीड्स टू लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर द डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मेरे जॉइंट कम है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सिंस जॉइंट्स आर द मेजर लोकस ऑफ वीकनेस इन कंक्रीट बिल्डिंग, सिंस क्या होता है, कंक्रीट ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता, उसमें ब्रेक क्या हो जाता है, जॉइंट्स ब्रेक होने लगते हैं, और जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, तो जॉइंट्स पे हमारा वीकनेस होता है। तो अगर जॉइंट्स ही कम रहेंगे या उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर का ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। These are all the advantages of pre-stressed concrete, but हमारे जो scope में है that is just analysis of beams, ये इसको complete लिखते हैं analysis of stresses in beams, हमें बस ये पढ़ना है। And what are the disadvantages of pre-stressed concrete? तो जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट है द मेजर प्रॉब्लम विद प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट इज दैट इट नीड्स स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन मशीनरीज लाइक जैक्स, एंकर्स एक्सेट्रा। यानी कि हम लोगों को अगर प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का कोई सेगमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वी नीड सम स्पेशल मशीनरीज विच इंक्लूड आइदर जैक, एंकर वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए एडवांस मशीनरी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एडवांस टेक्निकल नॉलेज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरसीसी में क्या होता है, कितनी बार हम लोग स्ट्रिक्ट सुपरविजन ना भी रखें तब भी हमारा काम हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 1.5 और 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अब यहाँ पे क्या है, वी डोंट टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड थर्ड इज फॉर कॉन्क्रीट प्री स्ट्रेसिंग हाई टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार्स आर नीडेड विच कॉस्ट ग्रेटर देन जनरली यूज्ड माइल्ड स्टील रेनफोर्सिंग बार्स। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्टील जो यूज करना पड़ता है दैट इज हाई टेंसाइल स्टील। ओके, कौन सा है, दैट इज हाई टेंसाइल स्टील। और अगर हाई टेंसाइल स्टील यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ 1600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेके 2500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक रहता है। इतना जब मेरा स्टील है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद में हाईली स्किल्ड लेबर इज नीडेड फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, तो हमें हाईली स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है जो कि उस जैक्स को यूज़ करना जानता हो, स्टील रेनफोर्समेंट को अपनी प्लेस पर अपनी जगह पर लगाना जानता हो, इस तरीके के हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। और उसके लिए कंपनी को उन लेबर्स को पे भी ज़्यादा करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज दे आर पेड 1.5 टाइम्स मोर देन ट्रेडिशनल लेबर्स। जैसे अगर ट्रेडिशनल लेबर्स को 500 मिलता है तो इन लेबर्स को जो कि सुपर दे आर स्किल्ड होते हैं तो उन लोगों को कितना मिलता है, 750 पर डे के आसपास हम लोग देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट विल बी मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हम लोग बेसिकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं, we have load balancing method, second आता है हमारा strength concept method, और उसके बाद में हमारा आता है stress concept method। एक load balancing method, strength concept method और stress concept method, इनमें से तीनों के तीनों से एक ही रिलेशन आता है, एक ही आंसर आता है, फाइनल आंसर तीनों से सेम आएगा। बट अगर आपको गेट में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये वाला मेथड यूज करना है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान सा मेथड है, इसी को यूज करना है अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। आपको हमेशा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड यूज करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है कि यूज इनमें से कोई मेथड, देन यू हैव नो चॉइस, क्या वो करना ही होगा। बट अगर नहीं बोलता है तो ऑलवेज गो विथ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे लोड बैलेंसिंग मेथड, इस मेथड को पढ़ेंगे। सो टिल देन आप लोग ये वाला सेक्शन पढ़ना है, इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट सेक्शन में आई विल टेक लोड बैलेंसिंग मेथड। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव, और आप प्लीज सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को, एंड यू कैन यूज माई प्रोमो कोड RuchinLive टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। दिस इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड यू एनरोल नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। मेरे और भी वीडियोस आपको डेली आते रहेंगे, प्लीज़ डू वॉच दीज लेक्चर्स। सो दिस इज रुचिन तेजावत एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे। टेक केयर, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। टिल देन, बाय बाय।